हे गाइस, तो दोस्तों जब से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का रिजल्ट आया है, बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों का टेलीग्राम पे मेरे लिए मैसेज आने में है कि सर हमने तो 170 अटेम्प्ट करे थे, हमने तो 180 अटेम्प्ट करे थे, फिर भी हमारा नहीं हुआ, जबकि बस 80 मार्क्स लाने थे कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अगर हम जनरल हैं तो सर हमने तो बस 80 मार्क्स लाने थे, बट सर देखिए आप 180 करके भी नहीं हुआ और एक्यूरेसी भी हमारी सही रहती है। कुछ तो लोग ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं सर मैंने 180 अटेम्प्ट करे हैं, करेंटली मैं SBI में जॉब भी कर रहा हूँ और उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ। मतलब वो कहना चाह रहा था कि वो एक जेन्युइन कैंडिडेट है जिसने 180 करे हैं, अभी SBI में काम भी कर रहा है, इसी साल आपके साथ ही मैंने SBI निकाला था। तो अब ऐसे केस में दोस्तों दिक्कत क्या चल रही है, देखिए आप कट ऑफ का मतलब समझिए। मानकर चलिए इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश में कोई बच्चा 40 में से 40 ले आता है, बहुत बढ़िया। रीजनिंग में वो ले आता है 40 में से 40, क्वांट में वो ले आता है 40 में से 40, बचा कंप्यूटर में वो ले आता है 40 में से 40, और मान कर चलते हैं हिंदी, हिंदी में 20 जो 20 मार्क्स की हिंदी आई थी, अब 20 मार्क्स का 40% जो होता है वो 8 मार्क्स होता है। अब मान लीजिए उसके 7 मार्क्स आ गए, मान कर चलते हैं उसके 7 मार्क्स आ गए, तो ऐसे केस में वो बच्चा बाहर हो गया। जो ये कट ऑफ नियरली 90-100 दिख रही है हमें, ये वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपने मार्क्स, जिन्होंने जो कैटेगरी वाइज मार्क्स हैं इनके, हर एक सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज जो सेक्शनल मार्क्स हैं उनको क्वालिफाई किया होगा। वो हर सब्जेक्ट में वो कैटेगरी वाइज मानकर चलते हैं जनरल है, तो जनरल में वो हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाया होगा, हर एक सब्जेक्ट में। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर उसके 40% मार्क्स नहीं आते, यूजुअली GA में होता है ऐसा, तो अगर इतने मार्क्स नहीं है तो क्या वो बच्चा बाहर हो गया? यस, बच्चों के आएंगे मे बी, अगर ये लोग कोऑपरेटिव का जो रिजल्ट आएगा, अगर PDF आती है तो उसमें साफ साफ पता चल जाएगा ये चीज़। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है उसके 150 मार्क्स आ गए लेकिन रीजनिंग में उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं, मान लीजिए रीजनिंग में से 40 में से उसके 10 मार्क्स आए, तो बट ही इज़ नॉट सेलेक्टेड, क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअली मार्क्स नहीं ला पाया। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल, आप समझ पाए कि कट ऑफ का असली मतलब इस सेंस में क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वाकई बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके आए थे बट उनको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला, फिर चाहे वो JBM की बात करूं और SBM की बात करूं। यही रीजन भी है कि कट ऑफ आपकी कम गई हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो करेक्ट बराबर मार्क्स ला रहे होंगे हर किसी में और किसी से मार्क्स कम होंगे, जिस बच्चे का हुआ है उससे कम। मतलब अगर मान लीजिए एक 120 मार्क्स लाया है कोई बच्चा और कोई बच्चा 100 मार्क्स लाया है, 100 बच्चे 100 वाले का सिलेक्शन हुआ है, 120 वाले का नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि 120 वाला कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेकर आए। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई भी अदर डाउट्स होते हैं तो दोस्तों आप पूछिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं।